मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। एक्सप्लेन ईच टाइप विद टू एग्जांपल्स। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको इन तीनों के बारे में बताना है कि एक एग्जाम्पल लेके। देखो क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें पहले। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होगा, उन हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इन दिस कंपाउंड सेंट्रल एटम इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कौन बनाता है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। वो लुईस एसिड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे ही है, जैसे AlH3B2H6। देखो मैं एक बार आपको BS3 की एग्जाम्पल बताता हूँ। BS3 क्या है, देखो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो तीन बॉन्ड ही बना सकते हैं, और क्या बनाएंगे, बना सकते हैं तीन से ज्यादा बॉन्ड है ही नहीं, तो बना लिए। और एक एक पी और बाइट तो खाली रह गया ना इसका, तो इसके ऑक्टेट में छह ही इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटरमोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनकम्प्लीट है ऑक्टेट इसका, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फिर ये क्या करता है, ये B2H6 बना लेता है ना ऐसे, ये डाइमर की फॉर्म में रहता है ना ऐसे ऐसे, एक एच इधर भी ऐसे शेयर हो जाता है एच ऐसे, ये ऐसे बनेगा। देखो बी एच 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 बी, ये दो BH3 हो गए ना, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे, दो सिर्फ यहाँ नहीं रहेंगे ऐसे घूमते रहेंगे। इसको मिटा दो, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटा दिए, तो क्या होगा, ऐसे घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इतनी जगह पे घूम रहे हैं ना, कितनी जगह, तीन जगह। इसको बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, या फिर बनाना बॉन्ड। नॉर्मली क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर के बीच में ही है, ये कौन सा है, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। नॉर्मल बॉन्ड तो टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर ही होते हैं, लेकिन ये कौन सा होगा, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर हो गया, घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन्स की। ये भी ऐसे ही बनेगा, डाइमर की फॉर्म में रहता है, BH3 डाइमर की फॉर्म में रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CLH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एग्जांपल है। तो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन है, दे हैव प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट एंड ऑल्सो नो लोन पेयर। मतलब इनके पास ना तो कोई लोन पेयर होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बस पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 14 जैसे CH4, SiH4, मीथेन, सिलेन, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे ये CH4 है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, उसने हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, चार, चलो ऑक्टेट भी पूरा हो गया और वो इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होंगे, जिनके पास लोन पेयर बच जाएगा, ऑक्टेट भी पूरा है और लोन पेयर भी बच गया, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो लुईस बेस होंगे। लुईस बेस कौन होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। इन दिस कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये अमोनिया है, ग्रुप 15 का हो गया अमोनिया, वाटर ग्रुप 16 का हो गया, HF ग्रुप 17 का, इनके पास देखो एक लोन पेयर बच रहा है ना, ये लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है, और इसका ऑक्टेट भी पूरा है सबका, लोन पेयर डोनेट तभी करेगा जब ऑक्टेट पूरा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ग्रुप 15, 16 और 17 के जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, बताओ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन है, ग्रुप 14 का फोर्थ, ये कौन है, ग्रुप 13 का है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ग्रुप 15 का, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ग्रुप 16 का, ये ग्रुप 14 का है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, सही है बात है, गलत है। ग्रुप 15 जैसे अमोनिया हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन है ना रिच है, तो गलत है ये बात। ग्रुप 14 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाते हैं, सही है बात।
ग्रुप 14 तो इलेक्ट्रॉन फ्री साइज ही बनाएगा ना। यस इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन फ्री साइज हाइड्राइड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी बात सही है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री साइज होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। फ्री साइज है, चार बॉन्ड ही बनाएगा वो। लोन पेयर तो कोई होगा नहीं, चार बॉन्ड बनाए, लोन पेयर कोई है नहीं तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल ही बनेगा ना, तो सही है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैन एक्ट एज लुईस एसिड, नहीं लुईस बेस होता है। इलेक्ट्रॉन रिच जैसे ये है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो लुईस बेस होता है। जो लोन पेयर डोनेट करे लुईस बेस होता है, जो एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड होता है। तो ये लुईस एसिड थोड़ी ना है, लुईस बेस है। तो 2 और 3 आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लुईस एसिड, करेक्ट। ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड जैसे B2H6 हो गया या फिर AlS3 हो गया, इसके पास क्या ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो सही है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नहीं। ग्रुप 14 के हाइड्राइड तो इलेक्ट्रॉन प्री साइज होते हैं, डेफिशिएंट थोड़ी होते हैं। जैसे CH4 SiH4 है ना, तो ये बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एक्ट एज लुईस एसिड, नहीं। 14 माने जो इलेक्ट्रॉन प्री साइज होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, आप तो लुईस एसिड नहीं आएगा ये। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेस, यस। 15 वाला जैसे अमोनिया हो गया है ना, तो उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो वो लुईस बेस होता है। तो 1 और 4 आ गया आंसर। HCl इज अ गैस, HF इज अ लिक्विड, वो क्यों है ऐसा ये पूछ रहा है। देखो मैं इनके पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट लिखवा देता हूँ, वैसे वो याद तो नहीं करने। HF, HCl, HBr, HI है ना। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका है 293, 293, इसका 189, 189 केल्विन में है ये सारे, है ना। इसका 206, 206 केल्विन, इसका 238, 238 केल्विन है ना। तो इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे, देखो वैसे तो रूम टेम्परेचर देखोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सारे ही गैस हैं ये, मतलब ये 293 केल्विन पे गैस बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है ना इसका, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो 293 पे गैस है अगर, तो 298 पे तो गैस ही होगा ना। 292 पे क्या होगा? लिक्विड होगा। 293 पे गैस बन जाएगा, तो 298 पे तो गैस ही रहेगा ना। तो रूम टेम्परेचर पे तो HF भी गैस ही है, हालांकि इसने क्या लिखा है, HF लिक्विड है, लेकिन वो सर्दियों में होता है, सर्दियों में लिक्विड बन जाता है, गर्मियों में वो गैस रहेगा। पर चलो ठीक है, हमको तो क्वेश्चन करना, बाकी सारे तो क्या है, सर्दियों में भी गैस ही रहेंगे, उनका तो बहुत कम है ना बॉइलिंग पॉइंट, सर्दियों में गैस ही रहेंगे। तो क्यों है? देखो अब इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो क्या है, सबसे कम किसका? HCl का, फिर HBr, फिर HI, सबसे ज्यादा HF का है। तो HF सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड हो? क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ, या फिर और भी मैंने केस कराए थे, CCl3 के साथ हो अगर, है ना, SP CCl3 के साथ हो, CF3 के साथ हो, या SP कार्बन के साथ हो, वो भी कराए थे। तो HF में क्योंकि H बॉन्डिंग है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इनमें सब में से ज्यादा है। दैट्स द आंसर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सो HF की जैसे देखो पोलैरिटी काफी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्लोरीन में देखें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलैरिटी कहाँ ज्यादा है, HF में HCl में? HF में ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे दो HF मॉलिक्यूल में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है बहुत हाई होता है, उसी को तो हम एच बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है इसलिए वो लिक्विड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाई डज वाटर शो हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड? इनके बॉइलिंग पॉइंट हम लिखते हैं H2O, H2S, H2SC, H2TE, इसका तो याद ही होता है हमको, 373 केल्विन। H2S का क्या है? 213 केल्विन,
213 केल्विन S2 इसका, 232 232 केल्विन इसका, 269 केल्विन। तो आप इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देख सकते हो, H2S देन H2SC देन H2TE देन H2O। तो H2 का बॉइलिंग पॉइंट में से सबसे ज्यादा है। एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे सिर्फ वाटर ही लिक्विड होगा, बाकी सारे तो गैसेस ही है। 298 पे, 298 पे सिर्फ वाटर लिक्विड है, बाकी सारे तो गैसेस ही होते हैं। तो क्यों है? सेम रीजन है, क्योंकि वाटर में एच बॉन्डिंग है, बाकी किसी में एच बॉन्डिंग नहीं है। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेम रीजन जो अच्छा फॉर HCl वाला था, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस ऑन H2O इज मोर देन दैट ऑन H2S। तो ड्यू टू मोर पोलैरिटी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज मोर, और उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। HF, HCl, HF, H2O और अमोनिया में जो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं उसका एक स्पेशल नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है तो मोर एनर्जी इज नीडेड टू सेपरेट दम। जब आप किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हो क्या करते हो आप? जो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं उनको दूर करते हो। तो अगर ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है तो दूर दूर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है, दैट्स इट।